यार अगर तुम लोग भी व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूज करते हो तो कभी ना कभी अपनी गर्लफ्रेंड या अपने दोस्तों से मैसेज के थ्रू जरूर बात करते होंगे, जिसमें आपको मैसेज करने के दौरान आपके कीबोर्ड में उतने सारे फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है जितना कि आपको चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको अलग अलग तरह के स्टाइल में किसी से बात करना है तो वो फीचर आपके सिंपल कीबोर्ड में देखने के लिए नहीं मिलता है। या फिर मान लो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड या अपने दोस्त को कोई भी कोट, साड़ी या फनी चुटकुले भेजना हो तो उसके लिए आपको गूगल पर जाके ढूंढना पड़ता है कि कौन सा साड़ी या कौन सा चुटकुले उसको भेजना है, तब जाके आप उसको भेजते हो। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसकी मदद से आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड में ही वो सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप फनी कोट्स एंड साड़ी को बहुत ही आसानी से भेज सकते हो और आप अलग अलग स्टाइल में भी किसी को टाइप करके उससे बात कर सकते हो, जिसे देखने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड या आपका दोस्त यही बोलेगा क्या बात है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है बबल कीबोर्ड, जिसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो इस ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग उस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ सेटिंग बताऊंगा, इसलिए यहां से वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों यहां पर आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एलाउ कर देना है। एलाउ कर देने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपको बबल कीबोर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड का लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, यानी कि आप अपने कीबोर्ड को किस भाषा के रूप में आप उपयोग करना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी टाइप करके डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका काम यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अगर अपने दोस्त या अपने गर्लफ्रेंड को SMS करना हो तो उसके चैट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी मैसेज टाइप करना है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग स्टाइल में फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसपे आप क्लिक करके उस फॉन्ट में उसको SMS कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्टाइलिश दिखने में लगती है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अगर किसी को चुटकुला या फिर आपको कोई साड़ी भेजना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कोट्स, साड़ी एवं चुटकुले का ऑप्शन मिल जाता है, जिसपे आप क्लिक करके आप यहां से बहुत ही आसानी से पढ़कर आपको जो भी यहां पर साड़ी या कोट्स अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके यहां से सिंपली भेज सकते हो। तो दोस्तों आप इस तरह से अलग अलग स्टाइल में किसी से बात करके उसे इम्प्रेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में और भी हैंड इन सेटिंग के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।